जमाने को खिलाने वाले, खुद नहीं खाके जमाने को खिलाने वाले, आ गए नाश गरीबों की उठाने वाले। क्यों न हालात बदल जाए ऐ हलीमा तेरी, क्यों न हालात बदल जाए ऐ हलीमा तेरी, तेरे गोद में है किस्मत के बनाने वाले, तेरे गोद में है किस्मत के बनाने वाले। हम माइक पर तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब बुलबुले नेपाल, वो आपको अपनी हफ्तानी नूरानी बयानात से नवाजेंगे। उनके आने से पहले नारे तो अजीज बच्चों हाजरीन मजलिस मिंबर नूर पे जलवा फरोज मोहसिन उलमाए किराम और तलबा इज़ाम और दूर दराज से बैठ कर सुनने वाली इस्लामी पर्दा नशी खातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अलाक़िबतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के कुछ फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। आप हम और मिल करके आइए नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, झूम कर दरूद शरीफ पढ़े, जिनको जो दरूद याद हो वही पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना नबीअना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अकीदा और वलीमे की मजलिस है, अल्लाह ताला मजलिस को कबूल फरमाए और आने वाली दुल्हन और दूल्हे को ताहयात अब्दी मोहब्बत अता फरमाए और माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हम मौलाना हजरत, आप भी बचपन से हम भी सब लोग देखते हैं, मौलाना जो भी कहेगा सुनना है, अमल नहीं करना है। और जाहिल लोग क्या करते हैं सब लोग जानते हैं, जो मौलवी कहता है वो नहीं करो, जो मौलवी करता है वो करो, मौलवी साहब कहता है जो हम कहते हैं सो करो, हम जो करते सो मत करो, उल्टी बात बोलता है। मौलाना बोलता है नमाज पढ़ने, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मौलाना बोलते हैं रोज़ा रखने, कितने लोग रोज़ा रहते हैं? मौलाना बोलते हैं ज़कात दो, कितने लोग ज़कात देते हैं? मौलाना बोलते हैं गरीबों की मदद करो, कितने लोग मदद करते हैं? मौलाना बोलते हैं यतीमों पर शफ़क़त का हाथ फेरो, कितने लोग फेरते हैं? कुरान और हदीस में अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, मैंने इसीलिए आप जाते हैं इमाम साहब खुतबा में पढ़ते हैं या यूहन्ना सुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी, ऐ लोगों डरो उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। औरत गुनहगार नहीं कसूरवार नहीं है, अगर कसूरवार है गुनहगार है तो उसका शौहर, उसका बेटा, उसका भाई है। हमारा मुआशरा, हमारा समाज आज इतना बिगड़ता जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के सरों पर दुपट्टा भी खत्म हो रहा है। बड़ी को तो छोड़िए, छोटी बच्चियां जो मासूम है उन बच्चियों को बाप रे ऐसा लग रहा है पूरा मेकअप की दुकान उसके चेहरे पे सजा दिया है और घुमा रहा के देखो ताकि लोग देखे देखे फलना की बेटी को देखो, माशाल्लाह फलना की बेटी को देखो। मुसलमान के घर में जो बेटियां पैदा होती हैं उसका किरदार ऐसा हो जैसा अभी महीना मुहर्रम का आने वाला है कि एक जौनपुर के रहने वाले सोनार की बेटी की जिंदगी ने, आप सुने होंगे कि जिसने कहा था, बाप ने जब पूछा था कि बेटी तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए, बर कैसा चाहिए, तो सोनार की बेटी ने जवाब दिया था, बाबा मेरे लिए बर ऐसा ढूंढना, दूल्हा ऐसा ढूंढना जिस दूल्हे ने कभी गैर लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा, गैर लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा हो। और ऐसे लड़के से उसका उसकी शादी हुई जिसने ये शर्त रखी थी कि उस लड़की से मेरी शादी हो जिस लड़की को किसी मर्द ने नहीं देखा हो।
हैं? आज हम अपनी बेटियों को मेकअप किट बना करके बक्सा बना के रोड पे घुमा रहे हैं। तो गुनहगार कौन होगा? नबी की हदीस सच है कि एक औरत की वजह से चार मर्द जहन्नम में जाएंगे। आज हमारी बच्चियों को देखिए मेकअप करके घूम रही है। शादी में अक्सर देखा जाता है न बड़ों का ख्याल न छोटों का ख्याल, खुदा का खौफ कहाँ है? खुतबे निकाह में तीन आयत पढ़ी जाती है, तीनों में खौफ कहाँ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना व इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदा। तीनों में डरने का लम्ह है, क्योंकि अक्सर आदमी खुशी के मौके पे से ऐसे ऐसे गुनाह करता है जिसके यहाँ खुदा के यहाँ गिरफ्त होगी। न बेटा काम आएगा न बेटी काम आएगी। मैं बोल दीजिए सुभान अल्लाह। न बेटा काम आएगा न बेटी काम आएगी। अंधेरी कब्र में बहनों ये नेकी काम आएगी। जी आप ट्यूशन पढ़ने भेजते हो, कभी जाते हो कि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ के सीधा घर आती है या गली में कूचों में किसी गैर के साथ मजे उड़ा रही है? मदरसे में पढ़ाने वाली बेटियों की कमी है? मदरसे में बच्चियों की पढ़ाई क्या नहीं है? कंप्यूटर है, साइंस है, जुग्राफिया है, क्या नहीं है मदरसे में? अब हर जगह सब कुछ मौजूद है, लेकिन अपनी बेटियों को हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हम अपनी बेटियों को सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का रुख दिखाएंगे। खुदा का खौफ नहीं, 2 लाख लेते हैं। अबे बेटों को तो बकरा और बैल बना दिया है लोगों ने। कोई 6 लाख में बेचता, कोई 10 लाख में, कोई 8 लाख में, कोई 4 लाख में, कोई 2 लाख में बेचता नजर आता है और कहता है हम अपना 1 रुपया नहीं खर्चा करेंगे, बेटी वाला ही से लेकर के बराती को खिलाएंगे, खर्चा करेंगे। हमने कहा कि इससे बड़ा भिकमंगा दुनिया में कोई नहीं है। तरह कुत्ता मरे हुए जानवर पर झपकता है, उसी तरह आज हमारे बेटे वाले लोग बेटी वाले के घर में झपकता है कि कितना लाख मिल जाए। लेकिन याद रखना, लोग अपने बेटे के नाम पर तलब करते हैं, कल कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि तूने जो डिमांड किया था, तूने जो मांगा था, बेटी वाले के दिल पे क्या गुजरी थी, उसका दिल कितना पास पास हुआ था। उसमें भी फरमाइश, बराती इतना आएंगे, बराती इतना लाएंगे, बराती को इतना खिलाना पड़ेगा, ये आइटम देना पड़ेगा। तुम मुसलमान हो और नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और चाहते हो कि शादी में बरकत हो और बरकत वाली दुल्हन हमारे घर में आए, तो डिमांड करना बंद करो। लड़की वाले जो खुशी से दे दे ले लो, जो खिला दे उसी में शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की जब शादी हुई है तो वलीमे में पुलाव और गोश्त और कुरमा बिरयानी नहीं चला था, बल्कि खजूर और छुहारे से वलीमा कराया गया। बहुत से लोग इखलाक से गिर करके बात करते हैं, बारात अगर मेहमान दरवाजे पे आया है तुम अच्छे से पानी पिला दो, मेहमान खुश होके जाएगा, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकत अदा फरमाएगा। नहीं नहीं, हम अपनी बच्चियों को पर्दे के दायरे में रखे, हम अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीम से आरास्ता व परास्ता करें। शादी में शादी अगर सुन्नत के मुताबिक होगी तो अल्लाह दुल्हन को भी बरकत अदा फरमाएगा, दूल्हे में भी बरकत अदा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आइए हम सब मिलकर के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इलाही की किस्मत में हसीन आम लिख देना। अरे खाना मिल रहा बोले ना सुभान अल्लाह। इलाही की किस्मत में हसीन आम लिख देना, मदीने पाक का इनको सुबह शाम लिख देना, मदीने पाक का इनको सुबह शाम लिख देना। जिन्होंने मुस्तफा के नाम की मजलिस रचाई है, रसूल पाक
का नाम लिख देना, रसूल पाक की जन्नत में इनका नाम लिख देना। खूब की सहरे चमन फूल चुनी शान रहे, बागवा जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिल आलमीन व लाक़िबतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुर्क़ानिल हमीद। ये भी मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शायद के कोई नेकी कबूल थी जिन्होंने अपनी बेटी को आलमा बनाया और कुरान मुकद्दस की बहुत सी सूरतों को याद करने का और हदीस मुस्तफ़ा अपने सीने में लेकर के वो लड़की वो बच्ची आलमा बनी है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए और होने वाले दूल्हा और दुल्हन को ताहयात अपनी मोहब्बत अता फरमाए। ये खुश नसीबी है कि बेटी को आलमा बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दूल्हा मिला है वो भी हाफिज कुरान है जी। माशाल्लाह कितनी खुशकिस्मती है, काबिल मुबारकबाद है। देखिए हम और आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर नमाज नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर नमाज नहीं पढ़ेगा, यहाँ तक कि जुमा भी नहीं पढ़ेगा, देखिएगा तो खड़े खड़े पेशाब करेगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, या अपनी बच्चियों को आलमा बनाते हैं, तो वो नमाज पढ़ेगी, तो जब जब नमाज पढ़ेगी अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों के लिए मगफरत की दुआ मांगेगी। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, ये इस कदर खुश नसीबी है तो मैं आपको क्या बयान करूं। शादी की मुबारक महफिल है, एक आलमा की शादी है, एक पढ़े लिखे लड़की की शादी है, जिन्होंने मेहनत और मशक्कत करके हदीस मुस्तफा को अपने सीने में सजा के रख लिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा, वही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जो हज के लिए बहुत पैसा जमा करके रखे थे। एक हज का महीना करीब था, हज करने जाने वाले थे, रास्ते दिन जा रहे थे, बाजार तो देखा कि एक औरत कचरे के ढेर के पास खड़ी है और मुर्दार जानवर का गोश्त तराश रही है। मुसलमान थे, तरस आ गया, गए उस औरत के पास और आपने कहा ये क्या कर रही हो, ये तो हराम है, ये खाना जायज नहीं है। तो उस औरत ने कहा मैं क्या बताऊं, तीन दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे शौहर कहीं महीनों से बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे अब मरने के करीब है। इसीलिए इस्लाम का हुक्म है कि जान बचाने के लिए मुर्दार चीज खाया जा सकता है, उतने ही जिनपे जान बचाई जा सकती है, लिहाजा हम ले जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उस औरत को अपने घर ले गए और जितना हज करने का जितना पैसा रखे थे वो सारा का सारा पैसा उस औरत को दे दिया और उसको घर जाकर उसके शौहर की तमारदारी की और कहा कि अपने शौहर का इलाज कराओ और इसी से कोई कारोबार करो, अपनी जिंदगी गुजारो, खुद भी खाओ, अपने बच्चे को खिलाओ। इतना मुबारक शख्सियत क्यों आया, वो मुबारक नाम भी मुबारक है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम अब्दुल्ला है। ये मुबारक बेटा जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में पैदा हुआ जिस घर में उसके बाप का किरदार कितना आला था, मुख्तसर सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इतने मुबारक, इनके बाप का नाम मुबारक है, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेज़गार है। एक बागवानी यानी एक सेब के बाग में बागवानी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। कई सालों के बाद बाग का मालिक आया और कहने लगा कि एक सेब खिलाओ। जब वो सेब तोड़ करके लेके गए तो बाग के मालिक ने देखा कि खट्टा सेब लेके आ गया है, खट्टा फल लेके आया है। तो हजरत मुबारक से बाग के मालिक ने कहा कि तुमको इतने दिन हो गए, तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन सा फल खट्टा है और कौन सा फल मीठा है। अल्लाहु अकबर, तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। हजरत मुबारक ने कहा कि आपने मुझे बागवानी के लिए रखा था, आपने मुझे खाने की इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा मुझे क्या जरूरत पड़ी है बगैर इजाजत के मैं आपका सेब खा सकूं। अल्लाहु अकबर, यही बात बाग के मालिक को पसंद आ गई और दौड़ते हुए घर गए और घर जाने के बाद अपनी बीवी को कहते हैं आज अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा मिल गया है। बीवी ने कहा कि कैसा दूल्हा, वो जो हमारा नौकर
पत्थर है जो बाग में पानी पटाता है, इतने सालों के बाद मैंने उससे फल मांगा और वो फल ला के दिया तो वो खट्टा निकला। और मैंने जब पूछा कि तुमने ये खट्टा फल क्यों दिया है, तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि कौन मीठा है और कौन खट्टा है, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पानी पटाने के लिए रखा था, देखभाल के लिए रखा था, खाने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा जो ऐसा परहेजगार है, जो ऐसा तकवा वाला है कि बगैर इजाजत एक सेब को नहीं छुआ है, लिहाजा मैंने फैसला किया है इसी नेक लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर जी। और निकाह हुआ और उसी औरत के गोद में एक बेटा पैदा हुआ जिसे लोग अब्दुल्लाह के नाम से जानते हैं। और जब गरीब की वो मदद कर दिए है ना, हज के मौसम में सब लोग हज करने गए और जहां देखे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नजर आ रहे हैं। जब वापस आए कहा कि अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कहा मैं हज करने नहीं गया। कहा कि आप हज कर क्या बात करते हैं, हमने आपको मताफ में देखा, सफा मरवा पे देखा, जमजम के कुएं पे देखा, अरफात में देखा, मुजदलफा में देखा, मीना में देखा, शैतान का कंकड़ मारते देखा। तो हाथी से गैबी से आवाज आती है, ए मेरे बंदो, इस साल कितने लोगों ने हज कबूल हज किया है, किसी का हज कबूल नहीं हुआ है सिवाय अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के, और इनके सदके में हमने सबका हज कबूल कर लिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के बारे में गैबी से आवाज आई, इन्होंने एक औरत को और उसके बच्चे को हराम खाने से बचा लिया और अपना हज करने का सारा पैसा उस औरत ने दे दिया। तो मैंने उन्हीं के शक्ल में एक फरिश्ते को भेजा जो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की शक्ल में जाके इनके नाम से हज करता रहा जी। तो नेक खूबसूरती जरूरी नहीं है, इखलाक जरूरी है, नेक सीरत जरूरी है। बच्ची पढ़ी लिखी होगी, कुरान की हाफिजा होगी, हदीस का आलमा होगी, जिस घर में जाएगी उस घर को रोशन करेगी और माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का यही वो बच्चियां है जो टिकट बनेंगी। अगर हम अपनी बच्चियों को अपने घर में चोरी सिखाएंगे, ससुराल में जाके वही काम करेगी। यहाँ हम अपनी बच्चियों को झूठ बोलना सिखाएंगे, ससुराल में झूठ बोलेगी। यहाँ हम अपनी बच्चियों को दूर से दूसरे से लड़ने झगड़ने बताएंगे, वो भी जाकर वही काम करेगी, क्योंकि घर से जो सीखेगी वो ससुराल में करेगी। लिहाजा अपने बच्चियों को आप पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा इंसान बनाए, ताकि जिस घर में जाए तो आपका भी नाम रोशन हो, आपके बेटी का भी नाम रोशन हो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।